कल होने वाली होली को लेकर के सैफई में सारा परिवार इकट्ठा हो चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी सैफई पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सारे लोग यहां उनसे मिलने भी आ रहे हैं। सर, नेताजी के बाद पहली होली इटावा में पड़ रही है, सैफई में किस तरह रहेगा त्यौहार, किस तरह बधाई देना चाहेंगे प्रदेश वालों को? देखिए, नेताजी के बिना होली तो अधूरी है। यहाँ बड़ी और सिस्टमेटिक तरीके से जो पहले होती थी होली, धूल भी फेंकते थे, रंग भी फेंकते थे, गुलाल भी फेंकते थे, वो उसको सुधार के नेताजी ने फूलों की होली में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे किसी के कपड़े भी ना खराब हों। लेकिन होली रंग की तो होती ही थी, लेकिन कीचड़ वगैरह बिल्कुल नहीं फिर पड़ना, सब बंद कर दिया था, हो गया था पूरा। बहुत मिला के ऐसा है कि परिवार के बाद कल के बाद दूसरा दिन जो होता था उसमें बहुत ही खराब होली हुआ करती थी, वो भी बंद हो गई। तो लोग याद तो करेंगे ही, अब जैसे सामान्य तौर पर होली मनाई जाती वो फिर मनाई जाएगी। तो सर, आलू किसान की अगर बात करें, किसान बड़ा परेशान है, लाइने लगाए खड़ा हुआ है, उसको आलू लेने को कोई तैयार नहीं है, कई जगह तो खेतों को जुतवा रहा है किसान। जब सरकार की नीतियां गलत होती हैं, और सरकार बेसिकली और फंडामेंटली, ये सरकार और दिल्ली की सरकार ये किसान विरोधी सरकारें हैं, इसलिए उनकी कोई नीति ही ऐसी नहीं है जो किसान को राहत दे सके। और जब बिना किसी गाइडलाइन के व्यवस्था चलती है तो इसी तरह की अव्यवस्थाएं होती हैं, और जो देश को खिलाने वाले लोग हैं उन्हीं के भूखों मरने की नौबत आ जाती है। वही स्थिति है देश में। प्रयागराज की बात करें, एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आरोपी फरार चल रहे हैं, क्या लग रहा, मंशा लग रही है सरकार की? देखिए, सरकार की मंशा इसी मामले में नहीं, उसकी तो हर मामले में मंशा विध्वंसकारी है। जो प्रयागराज में हुआ, जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, जिस तरह से दोनों गनर्स की हत्या हुई, उसके दोषियों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो भी कम होगी। लेकिन उसके नाम पर मन चाहे व्यक्तियों को, जब आपको फुटेज में हर एक आदमी के पास है, दिख रहे हैं, इलाहाबाद का हर आदमी पहचान सकता है कि ये है, ये ये है, ये ये है, ये ये है, तो आप जो अतीक के खानदान के भी नहीं हैं, नजदीक के रिश्तेदार भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं हो, एक ही दिन में 250 लोगों को उठा लिया, तो ये तो सत्ता का दुरुपयोग तो है ही। एक तरफ कानून की बात करते हैं, दूसरे लोग खुलेआम मारे जाते हैं, और मारे जाते हैं तो खिसे आके जो चाहे उसको मारना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। हम कहते हैं कि जो हैं दोषी उनको पकड़िए, दंडित कीजिए, मुकदमा जल्दी चलाइए, एक महीने में फांसी, एक साल में उनको फांसी की सजा दिलवा दीजिए, यही करना चाहिए। यही कानून कहता है कि किसी के जीवन को विधि सम्मत तरीके के अलावा छीना नहीं जा सकता, वो आदमी का जीवन का अधिकार, मौलिक अधिकार है, संविधान हमें दिया है। अगर हमें हमारा जीवन लेना है तो मुकदमा चलाइए, फांसी की सजा सुनाइए, फांसी दिलवा दी, लेकिन इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। पकड़ के इनकाउंटर होना गलत है, वो हत्या का मामला है। जो लोग ऐसा करेंगे, किसी न किसी दिन कोई न्यायाधीश ऐसा आएगा जो कहेगा कि हत्या का मुकदमा कायम करो इनके खिलाफ, और होगा। बुलडोजर जिस तरह से चल रहा है, घर गिराए जा रहे हैं इलाहाबाद में, कानून में कहीं नहीं है किसी आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम हो जाए तो घर पर बुलडोजर चला दो, सब गैर कानून, एवरीथिंग। अगर किसी का हमारी जमीन पर हमारा मकान बना हुआ है, हमें मकान बनाने का अधिकार है, आपके नक्शे के हिसाब से नहीं बना है तो कंपाउंड करने का प्रोविजन कानून यह है कि आप जुर्माना कर सकते हैं, जुर्माना जमा कर देगा, वो ठीक हो जाएगा, यही हुआ करता था। अब ये कर क्या रहे, ये नेशनल लॉस कर रहे हैं, राष्ट्रीय क्षति, कि वो आदमी का मकान गिरा उसका नुकसान, और गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल सकता था जुर्माना के रूप में उसका नुकसान। तो ये हमारे साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव थे, जिन्होंने प्रदेशवासियों और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं नेताजी के बिना उन्होंने कहा कि होली पूरी तरह से अधूरी है, किसानों को लेकर कहा कि किसानों को लेकर सरकार की मंशा पूरी तरह से गलत है। वहीं प्रयागराज में जो हो रहा है कहीं ना कहीं पूरी तरह से अवैध है, जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है। मोहम्मद पारिक, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।